हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद ताजुल पे। आज का जो वीडियो है वो रहेगा आप लोगों का हिंदी जीके क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए 10 प्रश्न लेके आया हूँ। 10 प्रश्न वो सभी त्रिपुरा के बारे में होगा। तो जो लोग त्रिपुरा के बाहर रहते हैं वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि त्रिपुरा के बारे में हिंदी में जीके क्वेश्चन लेके आओ। तो आज मैं उन लोगों के लिए आज हिंदी जीके क्वेश्चन लेके आया हूँ, और जो लोग त्रिपुरा में हैं वो लोग भी ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन में लेकर आया वो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा रिक्वेस्ट है जो लोग त्रिपुरा का है वो लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखें और सारी के सारी क्वेश्चन नोट करके रखें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास दोस्तों स्टार्ट करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न निम्न में से कौन सी राजधानी त्रिपुरा की है, ठीक है। नीचे जो चार ऑप्शन दिया गया है इन चारों में से कौन सी त्रिपुरा की राजधानी है, तो क्या होगा उसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर है अगरतला, ठीक है। जो लोग त्रिपुरा में है वो उन लोगों को यह प्रश्न सभी को पता है। तो जो त्रिपुरा के बाहर है उन लोगों के लिए मैंने यह प्रश्न लेकर आया हूँ, यह त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, आ चुका है आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्तमान 2019 में त्रिपुरा में कुल कितने जिले हैं, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन डी 8, ठीक है 8। त्रिपुरा में कुल 8 जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है त्रिपुरा में कुल 8 डिस्ट्रिक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है अभी आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजभाषा निम्न में से कौन कौन सी है, ठीक है। नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी लैंग्वेज त्रिपुरा की है, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन क, ठीक है। ऑप्शन ए बंगाली, ककबरक एंड अंग्रेजी, ठीक है। त्रिपुरा का जो मुख्य भाषा है वो है ककबरक, उसके बाद है बंगाली और अंग्रेजी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आ चुका हूँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वो नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपुरा के वाहनों में प्रयोग होने वाला वाहन अक्सर कौन सा है। वाहन त्रिपुरा के वाहन मतलब त्रिपुरा के जो गाड़ी होती उनमें जो नंबर प्लेट में जो अक्षर होता है वो अक्षर कहा गया है, नीचे चारों में से कौन सा होगा। तो ठीक है चलिए दोस्तों, अभी देख लेता हूँ वो आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी TR, ठीक है। त्रिपुरा का जो वाहन में नंबर प्लेट में जो अक्षर होता है वो है TR, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ नंबर 5 क्वेश्चन पर। तो क्या है प्रश्न, प्रश्न है देखिए, त्रिपुरा किस सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है, ठीक है। त्रिपुरा किस सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। तो ठीक है दोस्तों, अभी देखता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, उत्तर पूर्वी। त्रिपुरा भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है, ठीक है, उत्तर पूर्वी। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलता हूँ आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आ गया अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य का नाम निम्न विकल्पों में से बताएं चुने। मतलब नीचे जो चार राज्य का नाम दिया गया है उनमें से भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी देख लेता हूँ आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आ गए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न में से किसने त्रिपुरा की स्थापना 14वीं शताब्दी में किस मुखिया ने की थी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अभी देख लेता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, माणिक्य नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी, ठीक है, माणिक्य नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलता हूँ आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए,
किस वर्ष त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिला, ठीक है, किस वर्ष त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिला। तो ठीक है दोस्तों, अभी देख लेता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है नंबर सी, ठीक है, 21 जनवरी 1972। दोस्तों यहाँ पे 221 दिया गया है, वो गलत है, वो इसका आंसर होगा 21 जनवरी 1972, ठीक है, 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिला। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आ गए हैं अभी आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग त्रिपुरा का मुख्य उद्योग है, ठीक है, निम्न में से नीचे जो चार ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा उद्योग त्रिपुरा का मुख्य उद्योग है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अभी देख लेता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हैंडलूम बुनाई, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, हैंडलूम बुनाई। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलता हूँ आप लोगों का आज का लास्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों अभी आ गए हो आप लोगों का लास्ट प्रश्न पर। प्रश्न क्या है देखिए, त्रिपुरा का सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है, ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा वो शहर त्रिपुरा का सबसे बड़ा शहर है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अभी देख लेता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, अगरतला, ठीक है, त्रिपुरा का जो सबसे बड़ा राज्य शहर है वो है अगरतला। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो यह पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना मत भूलना, और मुझे कमेंट पर बोल देना तो मैं नेक्स्ट वीडियो हिंदी क्लास का लेके आऊँगा, हिंदी त्रिपुरा जी को क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आज आप लोगों से विदाई लेता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग सब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।